explanation of the line emission and absorption spectrum and estimation of wavelength by energy transition. ठीक है, तो एटम का स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम होता है, इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे और एनर्जी ट्रांजिशन से वेवलेंथ ऑफ लाइट कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, तो देखिए जैसे लाइट का एमिशन कहां से होता है, तो एटम से होता है. जैसे लाइट एलईडी से लाइट आ रही है, तो ये लाइट कहां से आ रही है, एलईडी को लाइट कहां मिल जाए बताओ, एटम से मिलता है. तो एटम से कहां मिलता है, बताइए कैसे मिलता है एटम से, ये चीज पढ़ना है. तो हमने ये ग्रुप कर दिया फ्रैंक और हर्ट्ज, फ्रैंक हर्ट्ज और लिनार्ड ने ग्रुप किया कि एटम्स के एनर्जी लेवल क्या होते हैं, डिस्क्रीट होते हैं. एटम के एनर्जी लेवल क्या होते हैं, डिस्क्रीट होते हैं ना. एक्सपेरिमेंट के लिए, इसके पहले एक्सपेरिमेंट के लिए हमने पढ़ा था लिनार्ड और सॉरी फ्रैंक एंड हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा था. उससे मर्करी पेपर से हमने क्या प्रूव किया कि मर्करी का जो एनर्जी लेवल होता है एक्साइटेड होता है, क्या कहते हैं डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होता है, और उनके जो एनर्जी लेवल्स हैं ये आपने दिखाया है. ठीक है, तो इन्होंने मर्करी में जो एनर्जी लेवल पाया था, एक तो 4.86 पाया था, एक 6.67 और जो है 10.4 है ना. ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपका आयनाइजेशन स्टेट होता है, ये आयनाइजेशन है ना, आयनाइजेशन स्टेट होता है. ठीक है, तो एटम है जनरली, तो ये मर्करी का एनर्जी लेवल डायग्राम ऑब्टेन बाय फ्रैंक एंड हर्ट्ज. फ्रैंक और हर्ट्ज ने जो मर्करी में एनर्जी लेवल पाया था उसके डायग्राम में दिखाए गए. ठीक है, तो देखिए एटम क्या होते हैं बताओ, एटम जनरली ग्राउंड स्टेट होते हैं. एटम कहाँ रहते हैं, जनरली ग्राउंड स्टेट में रहते हैं, इनकी लाइफ ग्राउंड स्टेट में इनफाइनाइट होती है. ठीक है, तो एटम जो है इस स्टेट में रहते हैं. दिस इज द लोएस्ट एनर्जी लेवल. ग्राउंड स्टेट क्या होता है, लोएस्ट एनर्जी लेवल होता है. कोई भी सिस्टम वहाँ रहेगा जहाँ पर उसकी एनर्जी सबसे कम रहेगी. तो एटम की एनर्जी सबसे कम कहाँ रहती है, ग्राउंड स्टेट में रहती है. इसलिए एटम जो जनरली कहाँ रहता है, ग्राउंड स्टेट में रहता है. लेकिन जब इसको बाहर से सुटेबल एनर्जी मिलती है, ठीक है, तब ये एटम क्या होता है, ये एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी का फोटॉन की एनर्जी एब्जॉर्ब करके किसी हायर एनर्जी लेवल में चल जाता है. क्योंकि emission and absorption of energy takes place in the form of quanta. कोई पर्टिकुलर फोटॉन एब्जॉर्ब करेगा जैसे एटम में. ठीक है, अब जब इस एटम पर कोई एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की फोटॉन गिरेगा तो इसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा. ठीक है, अब फोटॉन का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा और इस एटम की एनर्जी ग्राउंड स्टेट से ज्यादा हो जाएगी. तो और ये एटम वहां जाएगा जहां पर इसके पास जितनी इसके पास एनर्जी होगी ना, मतलब इसकी एनर्जी इस स्टेट के बराबर होगी, ये एटम क्या होगा बताओ, यहाँ चला जाएगा ना. तो एटम का एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना क्या कहलाता है, ट्रांजिशन कहलाता है. क्या कहलाता है, ट्रांजिशन ना. ठीक है, अब यहाँ पर एटम क्या कर रहा बताओ, ये एटम जो है एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब करके जा रहा है, इसलिए इसे क्या करके एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन कहेंगे. ट्रांजिशन आपने टेस्ट पढ़ा था, एक एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन पढ़ा था, एक इंस्टेंट ट्रांजिशन पढ़ा था. तो ये जो ट्रांजिशन वन है, कैसा ट्रांजिशन है, एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन, क्योंकि ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है. ठीक है, तो जब इस एनर्जी लेवल में जब एटम एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं किसी हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा, तो ये स्टेट क्या कहलाती है, एक्साइटेड स्टेट ऑफ द एटम कहलाती है ना. ठीक है, ये एटम की स्टेट क्या कहलाती है, एक्साइटेड स्टेट कहलाती है. इस टाइप से एटम जो है एक्साइटेड स्टेट में आ गया. ठीक है, अच्छा एक्साइटेड स्टेट में इसकी लाइफ क्या होती है, एक्साइटेड स्टेट में जो है एटम की लाइफ बहुत कम होती है, 10^-8 सेकंड होता है. कितना होता है, 10^-8 सेकंड. ठीक है, अब 10^-8 सेकंड तक यहाँ स्टे करेगा. ठीक है, और फिर एक किसी लोअर एनर्जी लेवल में आएगा ना. ठीक है, अब लोअर एनर्जी लेवल में ये स्टेट जैसे 3 है, 3 से 2 में आ सकता है या 3 से 1 में आ सकता है, ये आपका 4 एनर्जी लेवल. ये तो 1 हुआ, ये 2 हो जाएगा, ये 1 है, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये क्या होगा 4. ठीक है, ये आपका इनफाइनाइट, ये आपका क्या इनफाइनाइट है ना. ठीक है, तो देखिए स्टेट 4 से जो है
स्टेट 3 में आ सकता है या स्टेट 2 में आ सकता है या फिर स्टेट 1 में आ सकता है ना, ठीक है, या फिर 3 स्टेट से आ गया तो 3 स्टेट से जो है ये स्टेट 5 में आ सकता है या फिर स्टेट 1 में आ सकता है, नहीं स्टेट 2 में आ सकता है या फिर 1 में आ सकता है। अब जैसे स्टेट 2 में आ गया तो स्टेट 2 से 1 में आ सकता है, ठीक है। तो देखिए जब 4 से 3 स्टेट में आएगा तब क्या करेंगे, ये एनर्जी इमिट करेगा क्योंकि 4 स्टेट की एनर्जी ज्यादा है, इस स्टेट की एनर्जी कम है ना, तो ज्यादा से कम में आएगा तो एनर्जी इमिट करेगा ना। तो इंसर अकॉर्डिंग टू प्लैंक क्वांटम थ्योरी इंसर ऑफ एनर्जी टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ क्वांटम ना, तो ये सर्टेन फ्रीक्वेंसी का फोटॉन इमिट करेगा है, या 4 से 3 में जब आएगा 4 से 2 आएगा तभी सर्टेन फ्रीक्वेंसी का फोटॉन इमिट करेगा, है ना, ठीक है, या फिर 3 से 2 में आएगा तभी सर्टेन फ्रीक्वेंसी का फोटॉन इमिट करेगा, ठीक है, या जो है 3 से ग्राउंड स्टेट में आएगा तभी सर्टेन फ्रीक्वेंसी का फोटॉन इमिट करेगा, ठीक है, या 2 से 1 में आएगा तभी सर्टेन फ्रीक्वेंसी का फोटॉन इमिट करेगा। तो ये तो ट्रांजिशन 2 3 4 5 6 7 में क्या हो रहा है, एटम एनर्जी इमिट कर रहा है ना, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी का फोटॉन इमिट कर रहा है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, ट्रांजिशन 2 3 4 5 6 7 क्या कहलाएगा, एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन और इमिशन ट्रांजिशन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, इमिशन, क्योंकि इसमें इमिट हो रही है ना, फोटॉन इमिट हो रहा है, एनर्जी इमिट हो रही है, इसलिए इमिशन ट्रांजिशन कहलाएगा, ठीक है। तो इमिशन ट्रांजिशन तो जैसे किसी कोई भी ट्रांजिशन जैसे ट्रांजिशन 3 4 5 2 3 4 5 6 में एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी का फोटॉन इमिट होगा, तो उस फोटॉन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वेवलेंथ क्या होगी, नीचे निकालते हैं। तो कोई एक ट्रांजिशन लेते हैं, जैसे ट्रांजिशन हम ले लेते हैं, कौन सा बताइए, ट्रांजिशन 5 ले लेते हैं, और ट्रांजिशन 5 में जो फोटॉन निकल रहा है, ठीक है, जैसे ये जब ट्रांजिशन होगा तो यहाँ से एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी फोटॉन निकलेगा, ठीक है, जो फोटॉन निकलेगा, ठीक है, उसकी वेवलेंथ क्या होगी, चेंज करना, उसकी वेवलेंथ क्या होगा, ये चीज हमको पार्ट करना है, ठीक है। ये मानते हैं कि न्यू फ्रीक्वेंसी फोटॉन निकलता है, न्यू फ्रीक्वेंसी फोटॉन निकलेगा तो एनर्जी की कितनी इमिट होगी, ऐसी नहीं, ठीक है, डेल्टा इक्वल क्या हो जाएगा, ऐसी नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो लेट इन ट्रांजिशन 5 लेट इन ट्रांजिशन इन इमिशन ट्रांजिशन इन इमिशन ट्रांजिशन in emission transition let in emission transition a photon of frequency nu is emitted then from Planck quantum theory E2 minus E1 क्या हो जाएगा E2 minus E1 is equal to H nu E2 minus E1 H nu होगा ना तो E2 की वैल्यू कितना है माने एनर्जी एनर्जी ऑफ लेबर 3 देखिए ये जो 5 का फिफ्थ ट्रांजिशन है ये 3 से 2 में हो रहा है एनर्जी लेबर 3 से एनर्जी लेबर 2 में हो रहा है ठीक है तो यहां क्या लिखेंगे एनर्जी लेवल 3 से 2 हो रहा था E3 माइनस E2 लिखा जाएगा ना E3 माइनस E3 माइनस E2 क्या हो जाएगा H nu E3 की वैल्यू क्या है 6.67 है और E2 की वैल्यू क्या है 4.86 है H nu की वैल्यू क्या होगा S nu की वैल्यू C/λ होगा ना अब लैम्डा की वैल्यू हमको फाइंड करना है ठीक है तो कितना जाएगा 1 हो जाएगा 8 हो जाएगा 1 हो जाएगा और ये क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू एससी अपॉन लैम्डा अब लैम्डा
लिमिट होगा। तीसरे वैल्यू रखिए तो देखिए एस की वैल्यू क्या होगा, 6.6 इंटू 10 रेट पावर 1 इज 34, सिग्मा रूट 3 इंटू 10 रेट पावर 8 ना, अपॉन 1.81 इंटू 1.6 इंटू 10 रेट पावर नेगेटिव 90 इंटू वी, है ना, ठीक है। तो इसको ऊपर ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, इसका टर्म के प्लस 19 हो जाएगा है, और चलने सिस्टम में कर दीजिए। तो हो गया आपका 6.6 इंटू 3 अपॉन ये जगह 1.81 इंटू 1.6 इंटू 10 रेट पावर माइनस 34 प्लस 8 और प्लस 90 अपॉन पी, है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4.8 अपॉन 1.81 इंटू 1.6 इंटू 10 रेट पावर कितना, 10 रेट पावर माइनस ये 27 हो गया और 34 है तो 7 हो जाएगा, ये माइनस 34 है और ये 27 है तो माइनस 7 बचेगा वी। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू आएगी 12.375 इंटू 10 रेट पावर माइनस 7 है, ठीक है, अपॉन वी ना मीटर, ठीक है मीटर का वैल्यू है, ठीक है। तो ये डेसिमल हटा देते हैं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12.375 इंटू 10 रेट पावर माइनस 10 अपॉन वी इन मीटर है, ठीक है मीटर हो गया। तो 10 रेट पावर माइनस 10 मीटर को एंगल स्टाम्प करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.2375 अपॉन वी इन एंगल स्टाम्प, ठीक है। ये हो गया आपका लैम्डा वेवलेंथ लैम्डा ना, ये जो है तो वी की वैल्यू पता है, क्या बोल डिवाइड किए 6.6 को फिर से मल्टीप्लाई करें और फिर 1.81 इनटू 1.6 करें
इसमें पूछा होगा या इसमें दिया होगा, जो घंटे बाद आ रहे हैं तो उसको लेकर कितना आ रहा है? ड्यू टू
ट्रांजिशन ऑफ एटम फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू एनी लोअर एनर्जी स्टेट ना, ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ एटम फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल है। एटम जो है हायर एनर्जी लेवल से जब लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो वहां से जो है लाइट निकलती है ना, ठीक है, डिफरेंट कलर के फोटॉन निकलते हैं, डिफरेंट ट्रांजिशन में डिफरेंट कलर के फोटॉन निकलते हैं और जिससे आपको लाइट मिलती है, ठीक है। कुछ ट्रांजिशन में लाइट नहीं मिलती, कुछ जो दूसरे वेवलेंथ इनविजिबल वेवलेंथ निकलते हैं, ठीक है, जिस कुछ ट्रांजिशन में आपका हीट निकलेगा, कुछ ट्रांजिशन में अल्ट्रावायलेट निकलेगा जो कि इनविजिबल है, दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। तो जो स्पेक्ट्रम है, चाहे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होगा या एक्सरे रेडिएशन होगा, गामा रेडिएशन होगा, कोई भी रेडिएशन होगा, वो ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ गामा रेडिएशन, तो ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में भी ट्रांजिशन होता है, जैसे एटम में डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होते हैं, कुछ ऐसे न्यूक्लियस में भी डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होते हैं। तो जब न्यूक्लियस किसी हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है तब भी गामा रेडिएशन होता है, ठीक है। और जो ट्रांजिशन है, एक्सरे ट्रांजिशन है, अल्ट्रावायलेट ट्रांजिशन है, अल्ट्रावायलेट रेज है, विजिबल रेज है, ठीक है, इंफ्रारेड रेज है, ये जो है ट्रांजिशन ऑफ एटम, एटम के ट्रांजिशन से मिलता है, ठीक है। तो लाइट या रेडिएशन आपको कहाँ से मिलता है, तो एटम से मिलता है, लाइट कहाँ से मिलता है, एटम से मिलता है। और कैसे मिलता है एटम से, जब एटम किसी हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी का फोटॉन इमिट करता है। अगर एक फोटॉन विजिबल रीजन में आता तो दिखाई देने लगता है, विजिबल रीजन में नहीं आएगा, हीट रीजन में आएगा तो उसका हीटिंग इफेक्ट होगा, ठीक है, अपना हीटिंग इफेक्ट तो करेगा, ठीक है। तो रीजन में जो आपको लाइट मिलती है कहाँ से मिलती है, जैसे एलईडी लाइट दे रही, कैसे दे रही, बताओ, जब आप स्विच ऑन करते हैं तो इसमें जो गैस है उनको एनर्जी मिलती है ना, इसके फिलामेंट हीट होगा और जिससे हीटिंग से क्या होगा, गैस है इसमें जो भरी है वो एक्साइट नहीं, इसमें तो आपका गैस नहीं होता, इसमें जो सेमी कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है, सेमी कंडक्टर बेस है, लेकिन जैसे सोडियम लैम्प है या बल्ब है उसमें गैस फिट होती है, तो उसमें क्या होता है सोडियम वेपर या कुछ किसी किसी में जैसे मर्करी लैम्प होता है जिसमें मर्करी भरा होता है, तो उसमें क्या होता है जब आप करंट पास करते हैं तो फिलामेंट हीट होता है और जिससे क्या होता है मर्करी जो एटम से वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं और जब एक्साइटेड स्टेट में उनकी लाइफ 10^8 सेकंड रहती है और उसके बाद जब वो किसी लोअर एनर्जी लेवल में आते हैं तो डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के फोटॉन इमिट करने लगते हैं, ठीक है, और जिससे आपको लाइट मिलती है, ठीक। तो लाइट जो है, लाइट का सोर्स कौन है, एटम से, कौन है बताइए, एटम ना, ठीक है, एटम है। जब किसी हायर एक्साइटेड स्टेट से हायर एनर्जी लेवल से किसी लोअर एनर्जी लेवल में आपने एक ट्रांजिशन के लिए निकाला, इस टाइप से आप ट्रांजिशन टू के लिए निकाल सकते हैं, थ्री के लिए निकाल सकते हैं, फोर के लिए निकाल सकते हैं, फाइव के लिए निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम जनरल फॉर्मूला ले रहे हैं, टू फाइव वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू एनी ट्रांजिशन, तो जनरल समझते हैं कि एटम जो है किसी एक्साइटेड स्टेट हैविंग एनर्जी E2 से किसी लोअर एनर्जी लेवल E1 में आ रहा है, ठीक है, बाय इमिटिंग अ फोटॉन लेट एनी एटम
then from plus quantum theory e2 minus e1 की वैल्यू क्या होगा, e2 minus e1 h nu होगा, है ना। तो डेल्टा e को कितना हो जाएगा, h nu sc by lambda होगा, है ना। यहां से lambda e को क्या हो जाएगा, sc upon delta e, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका hc, hc upon डेल्टा e को क्या होगा, into b into नहीं इसको डेल्टा e बोलते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डेल्टा e इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा, ठीक है। तो इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको टू में अगर बदलेगा तो कितना हो जाएगा, e into delta e जूल हो जाएगा, है ठीक है। अब इसे वैल्यू रखें तो e वैल्यू कितना है, e की वैल्यू आप s की वैल्यू 6.6 into 10 raised to 134 और c की वैल्यू 3 into 10 raised to 8 और e की वैल्यू 1.6 into 10 raised to -19 into delta e in electron volt, ठीक है। तो अब इसको डिवाइड करिए तो 6.6 into 3 upon 1.6 into 10^4 -34 plus 8 और plus 19 upon delta e, delta e in electron volt, ना। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दीजिए कितना आ जाएगा, 6.6 को फिर से मल्टीप्लाई करें और 1.6 से डिवाइड करें कितना आएगा, ये वैल्यू आपके आएगी 112.375, ठीक है। और इंटू 10^4 -7 अपॉन डेल्टा ए इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ठीक है। ये हो गया मीटर, ये हो गया मीटर, है ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 12.375 इंटू 10^4 -10 अपॉन डेल्टा ए इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है मीटर, ठीक है। टेबल हो जाएगी आपका 12.375 अपॉन डेल्टा ए, डेल्टा ए इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब ये वैल्यू क्या होगी, एंगस्ट्रॉम, क्या होगी एंगस्ट्रॉम, इस टाइप से आप वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रम इन एनी ट्रांजिशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, ड्यूरिंग ट्रांजिशन चेंज इन एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखना है, ठीक है। ड्यूरिंग ट्रांजिशन चेंज इन एनर्जी किस में रखना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आपको वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन या वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रम डायरेक्टली एंगस्ट्रॉम में मिल जाएगा, ठीक है, है ना। तो ये चीज है, चलिए इस टाइप से जैसे एनर्जी लेवल डिस्क्रेट है ना, तो स्पेक्ट्रम भी डिस्क्रेट होगा ना, कंटिन्यूस नहीं होगा। एटम एनर्जी लेवल ऑफ एटम्स आर डिस्क्रेट, सो स्पेक्ट्रम आर आल्सो डिस्क्रेट है, स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स आर आल्सो डिस्क्रेट है। तो जैसे सभी एटम्स के अपने अपने डिस्क्रेट एनर्जी लेवल होते हैं, ठीक है, इसलिए सभी एटम का अपना अपना जो है स्पेक्ट्रम होगा, ठीक है। तो जैसे सोडियम है, मरकरी है, तो मरकरी का स्पेक्ट्रम आपने दिखाया है, जैसे जैसे सोडियम होता है, सोडियम में जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें केवल तीन ही एनर्जी लेवल पाया जाता है, ठीक है। एक आपका जो है एक ट्रांजिशन से आपको 5890 स्पेक्ट्रम मिलेगा सोडियम में, जैसे सोडियम स्पेक्ट्रम है, तो सोडियम में एक ट्रांजिशन से क्या होता है, एक ट्रांजिशन से आपको 5890 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ मिलेगी, है ठीक है। और एक ट्रांजिशन से जो है 5896 मिलेगा, एक ट्रांजिशन से क्या मिलेगा, एक इंटरनल ट्रांजिशन से 5896 एंगस्ट्रॉम मिलता है, ठीक है।
सोडियम के लिए, ठीक है। तो हर एटम का अपना अपना डिस्क्रिप्टर लेवल होते हैं, अपना अपना स्पेक्ट्रम होता है। तो सोडियम में खाली दो ही लाइन आपको मिलेगी, 5.90 5.96 है, तो इसमें डिफरेंस कितने का, 6 का है। तो दोनों फोटॉन किस में आते हैं, येलो कलर में आते हैं, किस में आते हैं, येलो है। तो इस टाइप से सोडियम से जो है आपको येलो लाइट मिलती है, सोडियम लाइट से कैसा लाइट मिलती है, येलो लाइट मिलती है। मर्क्यूरी लाइट से व्हाइट मिलता है, क्योंकि इसमें कोई ट्रांजिशन, आप जैसे ये ट्रांजिशन अभी ऑरेंज दिखाई दे किसी दूसरे में आपका येलो निकलेगा, किसी में ग्रीन निकलेगा है, किसी में रेड निकलेगा, रेड निकलेगा, तो इन सभी का कॉम्बिनेशन व्हाइट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से बाय स्टडिंग स्पेक्ट्रम ऑफ एटम यू कैन आइडेंटिफाई द एलिमेंट, आप एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। स्पेक्ट्रम का स्टडी करके आप बता सकते हैं कि ये स्पेक्ट्रम किस, ये एलिमेंट कौन सा है, किस एलिमेंट का स्पेक्ट्रम, किस एलिमेंट से ये स्पेक्ट्रम आ रहा है, ठीक है। तो जैसे सन है, तो सन पर तो कोई जा नहीं सकता ना, ठीक है, लेकिन वहाँ प्रजेंट डिफरेंट एलिमेंट के बारे में आप बता सकते हैं बाय स्टडिंग स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम का स्टडी करके आप बता सकते हैं यहाँ पर ये एलिमेंट प्रजेंट है, ठीक है। या बहुत सारे स्टार में उनके टेम्परेचर सन से भी ज़्यादा है, तो वहाँ पर आप नहीं जा सकते हैं, लेकिन वहाँ से आने वाले स्पेक्ट्रम को स्टडी करके बता सकते हैं कि यहाँ पर ये गैस है, ये एलिमेंट है, ये गैस है, ठीक है।